नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर्वप्रित अमावस्या की पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर्वप्रित अमावस्या के दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश अपने दिवंगतों की तिथि अनुसार श्राद्ध नहीं कर पाए हो तो इस दिन श्राद्ध किया जा सकता है। सर्वप्रित अमावस्या को महालया तथा मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस अमावस्या की पौराणिक कथा। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो कि सोम देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नामक एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितर अमावस्यु ने कहा कि हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस प्रकार कहे जाने पर सभी पितर क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों पर गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ पाओगी। पितरों के इस प्रकार कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से ही जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 15 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वप्रित श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप से प्रायश्चित करने के लिए कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंश अवतार शांतनु की पत्नी बनी, जो और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।